प्रस्तुति राजनीतिक हलचल में आज हमारे मेहमान हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री रहे राधारमन शास्त्री जी। राधारमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हिमाचल में भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं, आप चुनाव से दूरी क्यों बनी है? बहुत शुरू से लेकर हमने बहुत संघर्ष किया, एक छोटी सी आयु से 25-26 साल से राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण किया। हमने बड़ी छोटी उम्र से राजनीति में पदार्पण किया और जब मैंने राजनीति में पदार्पण किया उस समय हिमाचल प्रदेश में सारे का सारा प्रदेश कांग्रेसमय था। हालत इस कदर थी 70 के दशक में कि अगर हम किसी अध्यापक से भी कभी पूछते थे तो वो कहते थे कि आपको टिकट कौन सा मिला, आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, सरकार का टिकट मिला है या आप कैसे लड़ रहे हैं। यहां तक भी समझ उस समय नहीं थी। उस समय हमने शुरू किया तो इस भेद को ना जानते हुए भी प्रदेश के लोग केवल मात्र कांग्रेस को जानते थे। फिर प्रारंभ किया हमने कि भी किसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में एक कांग्रेस के मुकाबले में दल खड़ा किया जाए। तो 1970 के अंदर जब हम 19 महीने जेल में काटने के बाद इमरजेंसी में यहां आए और फिर टिकटों का आवंटन हुआ, जनता पार्टी बन गई थी उस समय कि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक दो बार पहले भी रह चुकी है। तो ये तो एक छोटा सा सफर था जो राजनीति में मैंने व्यक्तिगत तौर पर पूरा किया। बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हाँ जी। और मोदी जी से भी आपके संबंध रहे हैं, मोदी जी के साथ भी आपने काम किया है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक तो अटल जी का प्रश्न है, वो तो एक युग पुरुष थे। उनके पास प्रधानमंत्री होते हुए छोटे से छोटे आदमी के लिए भी समय था। मुझे अटल जी के साथ बहुत समय बिताने का और बड़ा आनंदमय समय बिताने का एक मौका मिला। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी हिमाचल प्रदेश में प्रभारी रहे हैं और मैं यहाँ 10 साल तक 1980 के 6 अप्रैल को जिस दिन पार्टी बनी उस समय से 90 तक मैं महामंत्री रहा हूं प्रदेश का। तो वो यहाँ आते थे, अपनी बात कहते थे, उसमें से कुछ बातें हम कर पाते थे और कुछ बातों में दिक्कतें आती थी, तो ये क्रम चलता रहा और ये तो स्वाभाविक होता है, जहां पदाधिकारी इकट्ठे बैठेंगे वहां परिचय हो जाता है। लेकिन आत्मीयता कहां कितनी किसके साथ है ये एक अलग से हट के प्रश्न है और कार्य की दृष्टि से व्यवहार में उतरना एक दूसरी बात है। आजकल का जो चुनाव का परिदृश्य है, मैं एक बार फिर से ये पूछूंगी कि उसमें आप भाषा की मर्यादा किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो ये भाषा का जो स्तर है गिरता जा रहा है, क्या राजनीति का ये अवमूल्यन मानते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो ये चुनाव है अपनी तरह का है भाषा की मर्यादा को तोड़ने की दृष्टि से। इसने तो सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसमें कमोबेश सभी लोग शामिल हैं और ये भाषा अगर ये चलती रही इसी प्रकार से हमें कहां ले जाएगी ये सोच करके डर लगता है। अभी जो वर्तमान सरकार है इन्होंने नेहरू, कबीर और महादेवी वर्मा जैसे विषयों को, उनके लेखों के जो विषय थे उनको पाठ्यक्रम से हटा दिया है, किस तरह देखते हैं? इतिहास के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा घटा है, जब घटा है, जितना घटा है, जिन परिस्थितियों में घटा है, जैसा वर्णित किया गया है शोधों के द्वारा, उसमें राजनीति के लिए उसका इस्तेमाल करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं समझा जाता और ये प्रवृत्ति सब जगह शुरू हो गई है। अभी अभी हाल का आप राजस्थान की घटना को आप देख लीजिए, उन्होंने भी कुछ तोड़ मड़ोड़ करके कुछ कहने की कोशिश की है, पूरा तो खत्म नहीं कर सके लेकिन कुछ ना कुछ कहने की कोशिश। इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इतिहास तो हमें शिक्षा देता है। अगर बाबर जो है वो ठीक नहीं था, उसने अत्याचार किए हैं, तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये सबक है कि बाबर को अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है, औरंगजेब को कोई अच्छा नहीं कहता है
अकबर ने देश में शासन किया तो अकबर को आज भी लोग जो है इस दृष्टि से याद करते हैं कि उसमें समन्वयवादी दृष्टिकोण था और वो कोशिश ये थी कि हिंदू मुस्लिमों को एक रख करके राष्ट्र को जो है समृद्ध करने का प्रयास किया जाए। तो जो भी व्यक्ति जिस भी काल में सत्ता में रहा हो अगर वो समन्वयवादी दृष्टिकोण से अलग रहा है, हट करके रहा है, तो इतिहास में अगर ये उसको वैसा ही लिखा है जैसा था उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। देवभूमि हिमाचल हम कहते थे, अब लगातार अपराध की दर बढ़ती जा रही है, किस तरह देखते हैं आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जब जब भी यातायात की सुविधाएं हो जाएगी, और आज यातायात की सुविधा आवागमन की सुविधा बहुत ज्यादा हो गई है, अब ये हिमाचल का मूल रूप तो नहीं रहेगा। बिहार से लोग आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, और दूसरे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, साउथ के लोग आ रहे हैं, वो अपनी सोच और कल्चर को लेकर के आते हैं। तो अब मिश्रित संस्कृति की संस्कृति होती है, मिश्रित संस्कृति में कितने ही विकार आते हैं और उसके कारण से वो चीज नहीं रहती है। यहाँ पर भी जमीन थोड़ी है और फिर अब आवासीय व्यवस्था के लिए जो है कृषि क्षेत्र को जो है बर्बाद किया जा रहा है। इसको सरकार को देखना पड़ेगा और इसमें चेक लगाने पड़ेगा। भाजपा के मुख्य जो चुनावी मुद्दे हमेशा से रहते हैं इस बार में हुए हैं, धारा 370, समान नागरिक संहिता और राम मंदिर। आप मानते हैं ये मुद्दे ही रहेंगे या कभी इन पे काम भी होगा? धारा 370 को और 35A को आज की परिस्थितियों में निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है, इस पर बार बार विचार करने की जरूरत और साथ में सभी को साथ में लेकर के एक ऐसा वातावरण खड़े करने की जरूरत है कि कश्मीर के लोग भी ये कहे कि ये हमारे लिए कोई हितकर नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है, इसका नुकसान ही है। आज भी देश को समझना चाहिए कि 370 35A ये न्याय संगत नहीं है, वहां के लोगों के लिए भी न्याय संगत नहीं है, उनको ये विचार करना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज को समझाने के लिए समय लगाने की जरूरत है और ये समयबद्ध योजना बनाने की जरूरत है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपने तीसरा प्रश्न कहा था मुझे याद नहीं रहा, राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर ये आस्था का प्रश्न है। मैं सोचता हूं कि पूरा देश इसमें उलझ गया है, एक छोटा सा टुकड़ा लगभग 300 गज होगा शायद जिस पर असली झगड़ा है, ठीक है, इसमें हमको व्यवहारिक दृष्टिकोण अपना करके, तो बल्कि मोहम्मदन जो है वो काफी हद तक इस बात के लिए तैयार भी हो चुके हैं कि नहीं, ये बार बार के लिए जो है ये जो है बोन ऑफ कंटेंशन नहीं रहनी चाहिए, हम सब लोगों को मिलकर के रहना है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में मैं इसमें बहुत बड़ी संभावना देख रहा हूँ और राम मंदिर जरूर बनना चाहिए। ये न केवल हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है ये। आप इसके लिए जो है सबसे बड़ा और बढ़िया उदाहरण मलेशिया है। मलेशिया में जिस प्रकार ही जितनी रुचि के साथ रामलीला जगह जगह में की जाती है, सूरीनाम है, बाली है, बोर्नियो है, वहां तो कमाल, और मुस्लिम लोग जो है वो राम लक्ष्मण भरत वगैरह बन रहे हैं। तो एक थोड़ा सा जो है ना भावनात्मक एकता को बल देने की आवश्यकता है, उसमें भाषा का संयम, एक दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना जो है वो ठीक। ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री रहे राधारमण शास्त्री। इन्होंने हमें अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कई ज्ञानवर्धक बातें बताई और साथ ही कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय भी रखी। अगले हफ्ते फिर एक नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।